हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में एकदम सेफ होंगे। तो आज का वीडियो एक डिफरेंट वीडियो होने वाला है। ना तो ये कोई ब्लॉग है और ना ही कोई ये रेसिपी वीडियो है, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा। तो मैंने यहाँ पर लास्ट वीक कुछ किचन कुकवेयर्स और किचन का काफ़ी सारा स्टफ़ बाय किया था और काफ़ी यूज़फुल है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं कि मैंने ये कहाँ से बाय किया, कितना डिफरेंस है इंडिया में वो सामान कितने का मिलता है और यहाँ पर वो कितने का मिल जाएगा। क्योंकि यूजुअली हम लोग यही सोचते हैं कि हाँ हम इंडिया जाएंगे, वहाँ से लेकर आएंगे। मैंने भी यही सोचा था कि मैं जब इंडिया जाऊँगी तो मैं वहाँ से सामान लेकर आऊँगी, बट अभी जो सिचुएशन चल रही है तो पता नहीं हम लोग कब तक ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वेट तो नहीं कर सकते ना कि एक साल तक नहीं जाएंगे तो एक साल तक सामान ही नहीं लेंगे। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारा सामान लिया यहीं पर, और जो कि मुझे काफ़ी रिजनेबल और काफ़ी डिसेंट प्राइस में मिल गया है। तो मैं आप सबसे वही सब डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आइटम है, अभी तक मैंने पैकिंग ओपन नहीं करी थी, सोचा था जब वीडियो शूट करूँगी तभी मैं ओपन करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा सॉसपैन ऐसा है, ये मैंने लिया है और पूरा ही इसके ऊपर स्टील का ही लिड है, अगर आप देख सकते हैं। और इसका जो बेस है वो भी हैवी बेस है, यानी कि लाइट बेस नहीं है, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है अंदर से भी, एकदम बढ़िया है और हैवी है ये। कुछ स्टील के जो बर्तन आते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं, बट ये बिल्कुल भी हल्का नहीं है, हैवी है। मैं इसको अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ, आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा बल्क कुकिंग करती हूँ तो मैंने इसलिए ये बड़ा लिया है, इसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्यों, मुझे ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास छोटे छोटे तो स्टील्स के काफ़ी सारे हैं, कढ़ाई वगैरह, उनका रिव्यू भी मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं स्टील के बर्तन। तो जो ये सॉसपैन है मैंने तो बड़ा लिया है, पर इसमें वहाँ पर इसके सारे साइजेस अवेलेबल हैं, छोटा बड़ा, जैसा भी आप की रिक्वायरमेंट आप उसके अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा है 25 पाउंड का, ये 10 लीटर का है, जो कि काफ़ी डिसेंट प्राइस है। बिकॉज मैंने थोड़ा टाइम पहले ही स्टील की कढ़ाई परचेज़ की थी, आई थिंक वो 2 लीटर या 2.5 लीटर की थी, वो ही मेरी 30 पाउंड्स की आई थी। तो उससे कंपेरिजन करूँ तो इसका प्राइस काफ़ी डिसेंट है, बट इसका ओनली बेस हैवी है, साइड्स उतनी हैवी नहीं है, बट मेरे पर यूज़फुल आइटम है मेरे लिए, तो मैंने इसको लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट आइटम। तो हमारा नेक्स्ट आइटम है, ये मैंने लिया है विनोद की हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई है, पर हार्ड एनोडाइज्ड एक्चुअली। तो चलो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और आपको बता भी देती हूँ कि मैंने ये हार्ड एनोडाइज्ड क्यों लिया, मैंने स्टील क्यों नहीं लिया या फिर मैंने नॉन स्टिक क्यों नहीं लिया। एक्चुअली जिस शॉप से मैं गई थी वहाँ पर बहुत वैरायटी है, आपको नॉन स्टिक भी मिल जाएगा, आपको एल्युमिनियम भी मिल जाएगा, आपको स्टील भी मिल जाएगा, एवरीथिंग। पर मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज़ चाहिए था, इसीलिए बड़े साइज़ में जो स्टील की कढ़ाई थी उसमें इतना बड़ा साइज़ नहीं था। एंड तो फाइनली नॉन स्टिक में था बड़ा साइज़, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ फिर बताती हूँ। तो कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे है और इसके साथ लिड भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है और ये प्रॉपर इसके ऊपर लिड भी है, ऐसा काफ़ी सही लगी मुझे ये। और इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 30 पाउंड्स की है ये, और इसकी कैपेसिटी है 7 लीटर। ये 30 सेंटीमीटर डायमीटर की है और 7 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो मुझे एक्चुअली कुछ ऐसा चाहिए था जो थोड़ा सा नॉनस्टिक भी हो, जिसपे चीज़ें चिपकती ना हो। नॉनस्टिक तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज ना तो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, डेफिनेटली उसमें खाना बनाना हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, तो इसलिए नॉनस्टिक तो मैं बिल्कुल नहीं प्रेफर करती हूँ लेना। और एल्युमिनियम था वहाँ पे अवेलेबल, पर एल्युमिनियम तो बिल्कुल अनहेल्दी है उसमें खाना बनाना,
तो वो तो मैंने अपनी किचन में से सब कुछ ऑलमोस्ट हटा दिया एलुमिनियम का, तो इसीलिए मैंने सिर्फ हार्ड एनोडाइज प्रेफर किया, बिकॉज़ थोड़ा सा मुझे इसमें नॉन स्टिक टच भी मिल जाएगा, प्लस ये थोड़ा ड्यूरेबल भी होता है, एंड मुझे जो साइज़ चाहिए था वो भी मुझे मिल गया। और आपको भी इसमें छोटे बड़े सभी तरह के साइज़ थे, और स्टील की भी काफ़ी वैरायटी थी, बट मेरे पास स्टील की ऑलरेडी दो तीन कढ़ाइयाँ हैं जो कि इनसे छोटी हैं, तो इसलिए मैंने स्टील ना लेके इस बार हार्ड एनोडाइज। बाकी मैं अभी फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, और जब मैं यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली मैं इसका रिव्यू आपसे शेयर करूँगी कि कैसा है ये। तो अगर आप अमेज़ोन पे इसका प्राइस चेक करेंगे तो सेम कढ़ाई वहाँ पर ये 40 पाउंड्स की है, जबकि यह मुझे मिली है वहाँ से 30 पाउंड्स की। और इंडिया में भी इस कढ़ाई का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट ये लगभग 2,000 के आसपास की ही आती है। जैसे मैंने देखा थी फ्यूचरा की जो हार्ड एनोडाइज कढ़ाइयाँ हैं 3.5 लीटर्स की, उनका प्राइस भी ऑलमोस्ट 1700, 1800, 2000 वेरी करता है ब्रांड टू ब्रांड, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी एक डील मिल गई। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अगर आप इंडिया से लेते हैं तो इसमें 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है आपको, पर अभी मैंने यहाँ से बाय करी है तो इसकी मुझे वारंटी नहीं मिली है। तो अगर कोई सामान आप यहाँ से परचेज़ करोगे और वो इंडिया से यहाँ पर आया तो उस पर आपको वारंटी नहीं मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट मैंने ये लिया है जो कि हमारे किचन की शान होती है, डेली पर्पस यूज़ होने वाली सबसे यूज़फुल आइटम है, जो कि हमारी मसाला दानी। काफ़ी अच्छा है ये, तो इसके साथ ये छोटा सा स्पून भी है, और सबसे अच्छी बात इसकी है कि जैसे नॉर्मली ये निकल भी जाता है और इजी टू क्लीन है, कि आप सारी इसमें से निकाल भी सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। और ये पूरा ही स्टील का है, स्टील का सेट है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि जब आप इसको ऐसे टर्न कर रहे हो ना तो ये कटोरियाँ गिर नहीं रही हैं, और काफ़ी अच्छे से फिक्स हुई हुई हैं, यानी कि लूज़ नहीं है कि गिर जाती हैं, आपने ढक्कन खोला तो पता चला सामान सारा हिल गया, वैसा नहीं है। तो काफ़ी अच्छे से पैक्ड हो रखी हैं, जब निकालो तो क्लीन भी कर सकते हो और एकदम से पैक्ड भी है। ये बेसिकली ग्लास तो नहीं है, फाइबर टाइप ऑफ समथिंग है। इसमें ऊपर से कवर जो स्टील का रहता है वो वाली भी थी, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी तो इसलिए मैंने ली, कि ऊपर ये पैकिंग लगी हुई है जो कि मुझे उतारनी है, उतार देती हूँ। पैकिंग उतारने के बाद ये कुछ इस तरह की लग रही है, लुक में भी बहुत प्यारी है, एक अच्छा सा रॉयल सा लुक दे रही है ये। और भी चीज़ें आती हैं नमकदानी के लिए, बेसिकली वो भी वुडन भी आता है, बट सबसे ज़्यादा स्टील है, रफ़ एंड टफ है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, वेरी इजी टू क्लीन है। जो सदियों से चलती आ रही है ना चीज़, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, मैं तो यही मानती हूँ। इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है वो है 8.99, यानी ये मुझे पड़ी है 9 पाउंड की। बट अगर आप इसको इंडिया से भी लेते हैं तो वहाँ पर भी 680, 700 और 500 से 700 के बीच में ही आती है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर भी इसका प्राइस मुझे काफ़ी रिजनेबल मिल गया, तो इसीलिए मैंने इसको तो ले लिया। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, मैं कब से ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए। एंड साइज़ भी इसका अच्छा है, वहाँ पर इसमें एक छोटा साइज़ और अवेलेबल था, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि आपको बार 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 ना रिफ़िल ना करना पड़े, अदरवाइज़ क्या होता है हर दूसरे दिन आपको रिफ़िल करना पड़ जाता है। और नेक्स्ट आइटम भी बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो ये नहीं बिलीव हो रहा था कि मुझे ये सारा सामान यहाँ पे मिल गया, और वो भी इतनी अच्छी वैरायटी। तो उसके बाद मैंने ये लिया है, ये है मार्बल का हमारा चकला। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इंडिया से लेकर आऊँगी लेकर आऊँगी, पर हमेशा यही होता है, वेट ज़्यादा हो जाता है, ला ही नहीं पाते। इसका जो साइज़ है ये है 26 सेंटीमीटर का है और 10 इंचेस का है, तो काफ़ी डिसेंट है, अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है, एकदम क्लीन और एकदम स्मूथ है ये, अच्छे से उसके ऊपर पॉलिश हो रखी है। और इसमें और भी साइजेस थे, एक इससे छोटा भी था, आई होप शायद वो 8 इंचेस का होगा, वो इससे थोड़ा सा कम रेंज में था, बट मुझे थोड़ा लाइट वेट चाहिए था, वो काफ़ी हैवी था, तो इसलिए मैंने इस पे को चूज़ किया। और इसका जो प्राइस है वो है 12.99। ये थोड़ा अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो काफ़ी प्राइस ज़्यादा है यहाँ पर, बट क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसको।
तो ये कुछ इस तरीके से, इसके पीछे ना ये ऐसे पाँव लगे हुए हैं। और यूजुअली जो दूसरे वाले आते हैं तो उनमें क्या होता है कि पूरा वो नीचे भी बेस मार्बल का ही रहता है, तो वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। बट ये भी इनफ हैवी है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है। काफ़ी अच्छा है ये भी, बहुत ही डिसेंट है, मुझे बहुत अच्छा पसंद आया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। और इसके साथ मैंने ये ली है परात। ये काफ़ी बड़ी परात है, ये नंबर 18 साइज़ की है। एक्चुअली मैं आपको बताया ना, मुझे बल्क कुकिंग करना रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े बड़े बर्तन लिए हैं। तो ये 18 इंचेस की है, और ये भी मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिली है। ये सिर्फ मुझे मिली है 5 पाउंड्स की, और इसमें एक साइज़ और भी छोटे साइज़ थे, वो 4 पाउंड्स के भी थे, बट मुझे बड़ा चाहिए था। तो वहाँ पर आपको छोटे बड़े हर साइज़ अवेलेबल मिलेगा, मतलब छोटा छोटा बड़ा, मतलब एक ही पैटर्न में आपको लगभग 5-6 साइज़ बड़े आराम से उस शॉप पे अवेलेबल हैं। तो एक ये मैंने लिया है, ये भी स्टील का है, जैसे अपना ऑथेंटिक ट्रेडिशनल परात होती है, बेसिकली वही है ये, आटा वगैरह लगाने के लिए। एक ये लिया है मैंने, और इसके बाद छोटा छोटा सामान है बाकी किचन का, मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने एक ये लिया है, कुछ भी जैसे हम रोस्ट करते हैं तवे के ऊपर, सॉरी कुछ भी हम गैस के ऊपर रोस्ट करते हैं, जैसे बैंगन का भरता बनाना होता है या टमाटर की चटनी बनानी होती है, तो गैस पूरा ना गंदा हो जाता है, तो इसलिए ये पापड़ भून लें, वो सब चीज़ों के लिए ये जो रैक होता है इसको क्या बोलते हैं, हाँ वायर रोस्टर रैक। तो ये भी स्टील का है, एक ये लिया है। इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है वो है 2.99 का, जो कि काफ़ी डिसेंट है यहाँ के हिसाब से। तो मैंने ये एक स्ट्रेनर लिया है, ये भी बड़े वाला है, एक्चुअली छोटा तो मेरे पास था बट मुझे बड़ा चाहिए था तो वो लिया है। ये भी इसका जो प्राइस है ये भी है 450, आई मीन 4 पाउंड 50 पेंस का है, तो ठीक है ये भी ओके है। एक ये लिया है। हमारा नेक्स्ट आइटम है ये हमारा आयरन का तवा। काफ़ी हैवी है ये, वेट में बिल्कुल भी हल्का नहीं है। बेसिकली ये डोसा तवा है आयरन का, तो मैं बहुत टाइम से सोच ही रही थी। एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ नॉर्थ साइड में, वहाँ पर ऐसा डोसा तवा हैवी वाला मिलता नहीं है आयरन का, तो मुझे इस बार मिला तो मैंने सोचा कि मैं ले ही लेती हूँ। और प्राइस भी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है। ठीक है, ये मुझे मिला है 6 पाउंड 50 पेंस का, बल्कि अगर आप इंडिया से लोगे तो इस तरह की कॉस्ट हार्डली 300-400 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा महंगा है बट यूजफुल है, अगेन इंडिया से आप लेकर आओगे फिर से वही सब दिक्कतें। काफ़ी अच्छा है, इसके साथ ये लकड़ी का हमें हैंडल भी मिला है, और काफ़ी हैवी है। चाहो तो आप इसको रोटी बनाने के लिए यूज़ कर लो, ना चाहो तो आप इसको सिर्फ डोसे के लिए, या कभी आप चीले बनाते हो तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो। बस हाँ एक ही चीज़ है जो कि लोहे के तवे पे हमें करनी पड़ती है, कि जब भी हमें इस पर कुछ बनाना होता है तो हमें इसे सीजनिंग करनी पड़ती है, लाइक या तो अनियन से लेके, या तो तभी इस पर चिपकता नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट बनाओगे तो चिपक जाएगा, और थोड़ा सा इसकी केयर करनी पड़ती है, नहीं तो उस पर बहुत जल्दी रस्टिंग भी हो जाती है। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक्स तो हैं, बट डेफिनेटली आयरन का तवा सबसे बेस्ट तवा है यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैंने इतने तवे यूज़ कर लिए ना, तो फाइनली मतलब मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। रखनी चाहिए वैरायटी अपने पास, बट रेगुलर में आई विल सजेस्ट कि आयरन तवा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और इसके बाद मैंने एक चीज़ और है, वो है ये हमारा विनोद का नॉनस्टिक तवा, जो कि ये जेस्ट वर्ल्ड, जेस्ट वाली जो सीरीज़ है इनकी, उसका है। एक्चुअली सेम तवा मैंने 5 साल तक यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा निकला, बिकॉज़ मैंने और ब्रांड्स के भी देखे हैं, उनके तवे ना इतने हैवी नहीं होते। ये जो नॉनस्टिक तवा है इसका बेस काफ़ी सॉलिड हैवी है, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब मैंने तो बहुत यूज़ किया है, तो मुझे था कि जब तक मुझे विनोद का नहीं मिलेगा तो मैं नहीं लूँगी, और यहाँ पर फॉर्चुनेटली हमें विनोद कंपनी के प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल भी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से है, ये एकदम फ्लैट है, काफ़ी बड़ा है ये। इसमें भी 3 लेयर्स की कोटिंग है, 3 लेयर्स कोटिंग है, बेस इसका एलुमिनियम ही है, ऊपर वही नॉनस्टिक की कोटिंग हो रखी है, और इजी टू क्लीन है। और इसमें इन्होंने ये भी लिखा है PFOA फ्री है ये।
मेंशन तो किया है कि दिस इज मेटल स्पून फ्रेंडली, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि नॉन स्टिक पे मेटल स्पून नहीं लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से चलते हैं, नहीं तो उनकी ये जो कोटिंग है वो उतरने लग जाती है। और इसके साथ भी आप सेम चीज़ देखेंगे, इसमें लिखा है 12 मंथ्स वारंटी, पर मैंने यहाँ से बाय किया है तो नो वारंटी फॉर अस, बट ये कि इनको केयर से यूज़ करो तो ये काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। हाँ, तो इसके साथ मुझे एक ये स्पैचुला भी मिला है एंड इसके साथ मुझे एक ये स्क्रबर भी मिला है, तो ये कंप्लीट सेट मिला है। और इसके जो कॉस्टिंग है ये मुझे मिला था आई थिंक 15 पाउंड का। अगेन एक नॉन स्टिक तवा हो गया मेरे पास और एक आयरन तवा हो गया, तो मैं मिक्स एंड मैच करके दोनों को यूज़ कर सकती हूँ। इसके साथ मैंने एक ये स्पैचुला लिया है, सिलिकॉन स्पैचुला, ये भी 1 पाउंड 150 का है, आई मीन 1 पाउंड 50 सेंट्स का है। और इसके अलावा मैंने ये कोस्टर्स लिए हैं, जैसे टेबल पे हमें कुछ गरम गरम सामान रख देते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, तो ये इसमें भी ना ये दो कोस्टर्स हैं और ये मुझे पड़ा है 2 पाउंड्स का, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ, ओ दो भी नहीं, सॉरी, इसमें 3 है, मैं गलत बता रही थी आपको, मुझे लगा था इसमें 2 हैं। तो ये 3 इस तरह के कोस्टर्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, आप कैसे भी टेबल पे रख सकते हैं, काफ़ी मतलब यूज़फुल चीज़ है ये भी, और 2 पाउंड में तो वर्थ इट है। और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा मंदिर का सामान लिया है, एक दो चीज़ें, तो एक्चुअली मैंने एक छोटा सा दिया लिया है मंदिर में जोत जगाने के लिए, भी मुझे पड़ा है 250 पाउंड्स का, 2 पाउंड 50 सेंट्स का। तो ये एक ये लिया है और इसी के साथ एक ये चीज़ लिए, बहुत ही मुझे यूज़फुल लगी ये, अगरबत्ती जलाने के लिए एक छोटी सी प्लेट है और उसमें इस तरीके से ये लगा हुआ है, इसमें हम अपनी अगरबत्ती लगा सकते हैं। तो फाइनली क्या होगा, अगरबत्ती गिरेगी तो इसी प्लेट के एरिया में निकलेगी, और इसका भी प्राइस है 1.99 का है ये। और इसी के साथ मैंने ये लिए दो क्यूट से मोदक बनाने के सांचे हैं, ये बहुत ही क्यूट से हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे, आई थिंक 30 या 40p का एक था, यानी 30 या 40 रुपए का आप लगा सकते कि एक है, तो काफ़ी है अच्छा। मैंने कहा गणेश चतुर्थी भी आएगी होपफुली, उससे पहले इंडिया तो जाना होगा नहीं, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ ताकि मैं उस वो वीडियो भी आपके लिए ला सकूँ। तो ये मिल रहे थे तो मैंने ये भी लिया। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा जो जो किचन का सामान था, जो भी स्टफ़ मैंने बाय किया, और जो भी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो भी अच्छा लगा मैंने वो आपको बताया। और हाँ, अगर प्राइस की बात करें तो डेफिनेटली उसका आइडिया थोड़ा तो मुझे है क्योंकि मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है एंड मैंने उसको इंडिया के प्राइस से भी थोड़ा कंपेयर किया है, क्योंकि यूजुअली हम लोग ये सोचते हैं ना कि इंडिया जाएंगे वहाँ से ले आएंगे, जबकि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल के वो चीज़ हमें यहाँ मिल रही है तो बेटर है ना, यहाँ से ले लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये सब परचेज़ कहाँ से किया है। तो ये जो सारा सामान मैंने लिया है, मैंने ये लिया है एक फैमिली के स्टोर से जो इसका नाम है पोपट स्टोर करके। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मेंशन कर दूँ, ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, ये जो सारा सामान है ये मैंने खुद से ख़रीदा है। मैं तो जस्ट एक शॉप का नाम इसलिए ले रही हूँ कभी, क्योंकि लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती है सामान खरीदने में, बिकॉज़ यूजुअली हम सोचते हैं कि बस इंडिया जाएंगे वहाँ से ले आएंगे। तो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, जिनको अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वहाँ जा सकते हैं और ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, मतलब आपको लगेगा नहीं कि कुछ ऐसा सामान है कि जो यहाँ पे नहीं मिलता है, एवरीथिंग मिल जाएगी आपको वहाँ पर। तो बाकी जो शॉप के डिटेल्स हैं, उसका जो लोकेशन है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगा हो, और इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको सबसे अच्छी आइटम क्या लगी। मैं फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।